कराची के मकीन पानी को तरस रहे हैं। महंगे दामों पानी खरीदना इनकी मजबूरी बन गया है। जानते हैं गयासुद्दीन से। गयास बताइएगा क्या हालात हैं कराची में पानी के। देखिए कराची प्यासा प्यासा है महवेश। कराची का किसी भी इलाके की बात की जाए तो कराची में पानी दस्तयाब नहीं है। महंगे से महंगा इलाका कराची का डिफेंस का इलाका है, जो कि पॉश इलाका है, वहाँ भी 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का टैंकर फरोख्त हो रहा है, लेकिन लाइनों के ज़रिए पानी नहीं मिल रहा। अब मैं आपको असल मनाजिर वो मनाजिर दिखा रहा हूँ जो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, जो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ये मासूम बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है मुल्क का, ये एहतजाज कर रहे हैं, ये पानी मांग रहे हैं। और मैं आपको नेट साउंड सुनाऊँगा, ये बच्चों की आवाज़ ज़रा सुनेंगे हमारे नाजरीन और हमारे हुक्काम, ये आप सुनें लाइव मनाजिर, आप सुन रहे हैं। ये हमारे हुक्काम के लिए बिल्कुल सोचने वाली बात है, उनको सोचना चाहिए। ये मासूम बच्चे जिनके पढ़ने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मैं इस वक्त फेडरल बी एरिया के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्लॉक 16, यहाँ पर शदीद पानी का बुरहान है और यहाँ पर बदतरीन बुरहान है। बफर जोन का इलाका इसके साथ टच होता है, गुलबर्ग टाउन है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, कितने अरसे से आप रह रहे हो यहाँ पे और पानी नहीं मिल रहा, क्यों पैसे वैसे नहीं देते आप, बिल नहीं जमा कराते? पानी का तो बिल नहीं होता, मगर 30 साल से इधर रह रहे हैं, मगर वही गटर लाइन का पानी आ रहा है। मीठे पानी की तो कोई लाइन ही नहीं है इधर। ठीक है, एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, ज़रा सा आगे आइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो पानी फराहम किया जा रहा है, वो पानी है गटर लाइन का, सेवरेज का पानी, जो कि लोगों की बीमारी के सबब बन रहा है। ज़रा हाथ दिखाइएगा, ये कैमरामैन को मैं कहूँगा ये फोकस करे। ये एलर्जी शुरू हो गई है यहाँ लोगों को, स्किन की डिजीज़ यहाँ पर हो रही है, बीमारियाँ हो रही, बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। गंदा पानी, बोरिंग का पानी और ख़राब पानी लोग यहाँ पर पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। कब से आपको पानी मैसर नहीं है और क्या यहाँ इंसान नहीं बसते? सही, मुझे तो कम से कम मेरा पैदाश, मेरा वालद साहब का पैदाश, उससे पहले दादा का पैदाश, अभी 200 से हम लोग को इधर ना पानी है, ना सीवरेज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना पानी की सहूलत है, ना सेवरेज है, ना इनकी सड़कें मरम्मत हुई हैं। बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो बिल भी अदा करते हैं, हमने एविडेंस के तौर पे बिल भी दिखाए हैं, जो कि करंट बिल जमा है। और शहरी यहाँ इनसे बात करते हैं, ये बताएं क्यों आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आप लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं इस शदीद गर्मी के अंदर? यहाँ तो बहुत परेशानी है पानी की, तकरीबन 2 साल से पानी जो है गटर का पानी आ रहा है, हम लोग पानी खरीद खरीद के परेशान हैं और ना तो कोई निज़ाम है गटर का ना पानी का, और सब हुकूमत जो है वो अपने उसमें लगी हुई चक्करों में लगी। ठीक है, ये आपने लोगों की बात सुनी, गंदा पानी यहाँ पे लोगों को मिल रहा है, आबादी परेशान है, लोग परेशान है, कराची वाले परेशान हैं, वो कराची वाले जो पूरे पाकिस्तान का पेट पालते हैं, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ पर यौमिया करोड़ रुपये का पानी चोरी हो रहा है, यही लोग अपना पानी खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन इन्हें लाइनों में पानी दस्तियाब नहीं है। जी शुक्रिया गयासुद्दीन। कराची के पीने के पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। गयासुद्दीन मौजूद है कराची के एक इलाके में, जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी अब पानी का मुतालबा कर रहे हैं। कराची के शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।